हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर की बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी। इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इस राखी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे घी। देसी घी लिया है मैंने यहाँ पर, ये लगभग 50 ml है। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, ये नॉर्मल दूध है, उबला हुआ दूध। घी का लगभग 3 गुना हमें दूध लेना है, 2.5 से 3 गुना, 150 ml के करीब ये दूध होगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, ये लगभग 100 ग्राम चीनी ली है मैंने। एक इलायची का पाउडर, आप चाहे तो इस जगह वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं इलायची पाउडर की जगह। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें लगभग 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें 1 उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये लगभग मैंने 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट ही लगेंगे इस मिठाई को बनने में। हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। हमें इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स ना रहे। 5-7 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ये पैन छोड़ने लगेगा धीरे धीरे। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे हमारा डो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये इसके बनने की पहचान है। ये देखिए हमारा डो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है, इसने पैन छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है, पक गया है, बिल्कुल रेडी है अब ये सेट होने के लिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लगभग इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हम इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे, आप चाहें तो इस मिठाई को बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लगभग 1 पिंच के करीब हम एक पार्ट में ग्रीन फूड कलर डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फूड कलर को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फूड कलर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का यूज़ करें। अब हम इस प्लेट के अंदर सबसे पहले जो वाइट वाला डो है, बिना कलर वाला, उसे डालेंगे और मिठाई को जो आप शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप देने वाली हूँ। हमें इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फ्लैट कर लेना है। ये देखिए अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रीन फूड कलर वाला डो। मिठाई की डेकोरेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसे भी स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे। ग्रीन और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन की मिठाई बहुत ही सुंदर लगेगी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर कटी हुई बादाम ली है, आप चाहे तो यहाँ पर पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी मिठाई बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे लगभग 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 1/2 घंटा हो चुका है और हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक पानी की बोतल का ढक्कन लिया है, आपकी जो इच्छा आप वो ले सकते हैं कटिंग के लिए, और जो शेप या डिज़ाइन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप दे रही हूँ।
देखिए इस तरह से हम ढक्कन की हेल्प से सारी गोल गोल कटिंग निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको गोल शेप दे दिया है। अब हम छोटा सा स्पेचुला लेंगे और उसकी हेल्प से बहुत ही आहिस्ता से इन मिठाई को एक एक पीस करके निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मिठाई कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। अब ये जो एक्स्ट्रा डो बचा है कटिंग के बाद ये वेस्ट नहीं है, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स बना सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी सुंदर लग रही है, ये दिखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को इस राखी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है कि सामने वाला जज भी नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाई है या फिर हलवाई से लेकर आए हैं। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर बताती हूँ कि इसका टेक्सचर ये अंदर से कैसी दिख रही है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।